हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सरसों की साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं खुद जो हूँ वो राजस्थान और पंजाब दोनों से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे इस साग की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनानी आती है और आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। और मैं पूरी टिपिकल तरीके से आपको ये रेसिपी बताऊँगी कि पंजाब में ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है, और सेम आप इसी तरीके से बनाएँ और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, और मक्के की रोटी के साथ इसको परोसें। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कच्चे कच्चे जो पत्ते आते हैं सरसों के, वो मैंने फ्रेश पत्ते ले लिए हैं और उनको बारीक काट लिया है, और इसमें साथ में ही पालक और बथुआ भी है। तो हमने जितनी सरसों लेनी है उसकी हाफ मैंने पालक ले ली है, और उसका पालक का हाफ मैंने बथुआ ले लिया है। अगर आपके पास बथुआ नहीं हो तो आप पालक और सरसों साग दोनों का ये साग बना सकते हैं सरसों के पत्ते लेके। सरसों के पत्ते आप कच्चे ही लें, और इन तीनों को अच्छे से आपको मैश करके धो लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत आती है। और इधर फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, रफली काट लिया है, 10-15 लहसुन की कलियां, और थोड़ी सी अदरक को मैंने कूट लिया है, और 10 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। और एक बड़ा टमाटर काट लिया, इनको रफली काट लेना है, और आप लहसुन को साबुत ही रख सकते हैं। और नमक ले लिया है, और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके कुकर में 6-7 विसल लगवाएंगे फ्रेंड्स। और 6-7 विसल लगने के बाद ये काफ़ी हद तक पक जाता है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6-7 विसल लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, और इसमें पानी, थोड़ा सा हमें पानी डाल के उबालना है फ्रेंड्स, ये मैं बताना भूल गई। और पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, 1 गिलास 1.5 गिलास डाल दें। और देखिए फ्रेंड्स, ये उबल चुका है। अभी हम इसमें मक्के 2-3 चम्मच हम मक्के का आटा लेके उसको पानी में मिक्स करके और इसमें मैश कर देंगे, डाल देंगे। और ये मक्के का आटा था फ्रेंड्स जो मैंने मैश किया था, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी में घोल लें 2-3 चम्मच मक्के का आटा, और इसको अच्छे से इसमें मैश कर दें। और फिर से हमें 5-7 मिनट इसको और पकाना है, और धीमी आंच पे। वैसे ही कुकर की विसल हमें नहीं लगवानी अभी, अभी हमें इसको ऐसे ही पकाना है 5-7 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ये अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा हम इसमें पानी और डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और पकने में कोई परेशानी ना हो। देखिए फ्रेंड, ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन का यूज कर सकते हैं। और 6-7 मिनट बाद फ्रेंड्स, ये हमारा पक चुका है, जो मक्के का आटा था वो पक चुका है। और देखिए, अभी ये पूरी तरह से हमें मैश हुआ लग रहा है। अभी हम मिक्सी जार में लेके इसको बहुत ही कम, मतलब एक ही बार चलाना है। ज़्यादा हमें बारीक पाउडर इसका, मतलब बारीक पेस्ट हमें इसका बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं तो ये साग है जो स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा सा पीसा है इसको, और इधर एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है। ये सरसों के तेल में ज़्यादा स्वाद लगता है, अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और यहाँ ऊपर से फिर से मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ काट के ली हैं, 6-7 कलियाँ लहसुन की काट के ली हैं। हमने अंदर भी जो कुकर में उबाला था साग, उस टाइम भी मैंने इस्तेमाल किया है, और अभी भी इस्तेमाल करना है। जो सरसों का साग होता है फ्रेंड्स, उसमें लाल मिर्ची का कम इस्तेमाल होता है, पर हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लहसुन काटने के बाद जब गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें डालने के बाद, तो थोड़ी सी अदरक हमने डालनी है, और अदरक का टेस्ट है जो इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और काट के लेना है, और 1 टीस्पून मैंने अदरक यहाँ पे ली है, और इनको अच्छे से चला लें। और हमारा लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसके बाद हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ एक कटा हुआ प्याज यहाँ पे बारीक कटा हुआ लिया है। ये ध्यान रखेंगे, हमने जब साग उबाला था उसमें भी ये चीज़ें डाली थी, और ऊपर से भी डालनी है, तभी इस साग का असली स्वाद आएगा, तभी जो टिपिकल जो पंजाबियों का साग बनता है वो रेसिपी बन के तैयार होगी। और इसको भी हमें 3-4 मिनट तक हमें पका लेना है। हमारा प्याज भी थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, और इसी स्टेज पे हमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि जो पंजाबी लोग ये साग बनाते हैं उसमें लाल मिर्ची का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कटा हुआ टमाटर ले लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी हरी मिर्ची और डाल सकते हैं काट के, पर जो मैंने साग में उबालते टाइम ही यहाँ हरी मिर्ची का भरपूर इस्तेमाल किया है, तो अभी मैं नहीं करूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, 1.5 चम्मच। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, सरसों के साग में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे
2-3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दिया है और इसको ढक के हम 2-3 मिनट हम पकाएंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना, बस 2-3 मिनट ही हम ढक के इसको पका लेते हैं। और 2-3 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, हमारा ये मसाला है जो पक चुका है। अभी हम थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर देते हैं, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रख लें, हमने पहले भी नमक डाला था। और अभी फ्रेंड्स ये जो साग मैंने मिक्सी में चलाया था, ये देखिए बिल्कुल मैंने पेस्ट नहीं बनाई है बारीक, ये थोड़ा दरदरा सा है, ये तभी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बहुत बारीक पेस्ट आप ना बनाएं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सरसों के साग का टेस्ट इसी तरीके से आएगा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और इसको आप अच्छे से मैश कर लें। और इसको मिक्स करने के बाद ढक्कन देके 2-3 मिनट तक आप और पका लें, हमें ज़्यादा देर तक इसको अभी नहीं पकाना है क्योंकि जो साग है मसाला है वो पूरा पका हुआ है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड 3-4 मिनट के बाद ये साग रेडी हो चुका है। और अभी आप इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें मक्खन ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास मक्खन अभी है नहीं तो मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। देसी घी भी इस रेसिपी में बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है साग को, तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों? ये हमारा साग बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये अच्छा हल लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।